नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। एक एल्यूमिनाई मीट को संबोधित करते हुए आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर वांडेकर को हार्ट अटैक पड़ गया। मौजूद लोग समझे कि वे भावुक हो रहे हैं, लेकिन गिरते ही हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कार्डियोलॉजी ले जाया गया उन्हें और वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह प्रोफेसर होने के साथ ही डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर के पद पर भी कार्यरत थे। आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर वांडेकर के परिवार में माता पिता के अलावा उनकी पत्नी प्रघन्या खांडेकर और उनका पुत्र प्रभा खांडेकर है। बता दें कि प्रोफेसर समीर वांडेकर के बेटे प्रभा अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लौटने पर ही प्रोफेसर समीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी उनका शव संस्थान के हेल्थ सेंटर में रखा गया है। वे आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र भी थे। प्रोफेसर खांडेकर के नाम पर 8 पेटेंट भी हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि प्रोफेसर खांडेकर का जन्म 10 नवंबर 1971 को जबलपुर में हुआ था। उन्होंने 2000 में आईआईटी कानपुर से बीटेक और जर्मनी से 2004 में पीएचडी किया था। इसके बाद 2004 में आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया। 2009 में एसोसिएट प्रोफेसर, 2014 से प्रोफेसर, 2020 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष बने। 2023 में उनको डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर पद की जिम्मेदारी मिली। प्रोफेसर खांडेकर सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वे प्रोफेसर एच सी वर्मा की ओर से चलाए जा रहे शिक्षा सोपान आश्रम से भी जुड़े रहे थे। भारत में हार्ट अटैक के मामले अभी देखिए तेजी से बढ़ रहे हैं। आज खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। भारत में पिछले 3 सालों में दिल का दौरा पड़ने से मौत का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 के बाद दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ गया है। NCERB की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 2022 में ही हार्ट अटैक के मामलों में 12.5% का इजाफा हुआ है। वहीं 2022 में दिल का दौरा पड़ने से 32,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2021 में हार्ट अटैक के आने से 28,000 के लगभग लोगों की मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2022 में अचानक से मौत होने में हार्ट अटैक काफ़ी गंभीर बना है। 2020 में 28,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 2021 में ये संख्या कम हुई और 28,413 पहुँच गई। लेकिन 2022 में एक बार फिर इसमें इजाफा हुआ और संख्या बढ़कर 32,457 हो गई। तो कैसे लगी यह तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।